हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में सेकंड टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ टॉपिक्स और पूरा इस टॉपिक को हम आज खत्म करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ हम प्रीलिम्स में आए हुए जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, दो तीन क्वेश्चन है, और एक मेंस का क्वेश्चन भी हम लिखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आपको लिखना है और आपको सेंड करना है टेलीग्राम ग्रुप में उस आंसर को लिख के, ठीक है। तो मेंस का क्वेश्चन ये होगा जिसमें आपको बताना है डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन और उनका सिग्निफिकेंस 250 वर्ड्स में, ओके। इसका अप्रोच क्या होगा ये हम बात करेंगे, जब टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कैसे आपको ये लिखना है। और यहाँ पर मैंने तीन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको ऐड किया हुआ है, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे टॉपिक कवर होने के बाद, ठीक है। और भी क्वेश्चन आए हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और ये क्वेश्चन हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आगे आने वाली क्लासेस में वहां पर भी हम धीरे धीरे इनको कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये आपको पता होगा कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हरप्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। रीजन क्या है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया तो उस समय इस सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स थे यानी कि जगह थी उनको इंडस वैली के आसपास में खोजा गया था, तो इस वजह से इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ साइट्स ऐसे भी थे जो इंडस वैली के रीजन से काफ़ी दूर पाए जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में मिले हुए हैं, गुजरात में मिले हुए हैं, आपको वेस्टर्न यूपी में मिले हुए हैं, जम्मू कश्मीर में मिले हुए हैं, एमपी में मिले हुए हैं, तो ये इंडस के रीजन से काफ़ी दूर है। तो इसलिए बाद में इनको मॉडिफाई करके हरप्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, क्योंकि हरप्पा जो साइट था ये सबसे पहले खोजा गया था 1921 में, ठीक है। तो उस वजह से जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई सिटी की उसी के नाम पर सिविलाइजेशन का नाम रखा गया, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो फेस है 2500 से लेके 1750 बीसी तक का समय, ये मेजर हड़प्पा वाला समय है। हमने प्री हड़प्पा और हड़प्पा या फिर मेजर हड़प्पा या फिर लेटर हड़प्पा के बारे में थोड़ी सी बहुत जानकारी हमने चालकोलिथिक एज मिली थी जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था स्टोन एज में, वहां पर ये पीरियड पूरा का पूरा लगभग ये मेजर हड़प्पा वाला टाइम होगा जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत हम इट टॉपिक्स के अंदर में सारा कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, यानी कि कितना इनका ज्योग्राफी में फैले हुए थे, किन किन एरिया में। स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और यहाँ पर मेनली फोर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम, जैसे कि आपको हो गया टाउन प्लानिंग हो गई, आपको ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेनरीज की बात करेंगे, ठीक है, और जो ड्रेनेज सिस्टम होता है हम उसकी बात करेंगे। यानी कि चार चीज़ों की बात हम स्ट्रक्चर में करने वाले हैं। एग्रीकल्चर में बात करेंगे कि टूल्स क्या थे एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, किस तरीके के फूड का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। इरिगेशन की क्या फैसिलिटी थी ये हम इसमें देखने वाले हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे कि क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी या ऑर्गेनाइजेशन था या नहीं। रिलीजन के बारे में इनके जो बिलीव्स हैं हम उनको भी देखेंगे यहाँ पर। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें क्राफ्ट्स हुआ और ट्रेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो वेट्स हैं के बारे में देखेंगे। मेजर्स के लिए क्या इनके पास रूल्स थे, ठीक है। इमेजेस किस तरीके के हुआ करते थे, सील्स क्या थे, ठीक है। टेराकोटा यू नो ये मिट्टी से बने हुए जो मूर्तियां होती है जो खिलौने होते हैं उनको हम टेराकोटा कहते हैं, और बेड से बने हुए जो ऑर्नामेंट्स, ठीक है, इन सबको हम देखेंगे मिशनरीज में। और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक डिक्लाइन देखेंगे कि किस तरीके से हरप्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है, उसके रीजन क्या है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको इस टॉपिक से ये सब इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, और पहला टॉपिक होगा हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हरप्पा सिविलाइजेशन था इसका जो एग्जिस्टेंस था वो वेस्टर्न इंडिया में था, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग आज की इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, आपको फिर वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब गुजरात वाला हिस्सा, पार्टीशन से पहले वेस्टर्न पंजाब वाला हिस्सा जो अब सिंध वगैरह और पंजाब के हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया, और इसके अलावा अफगानिस्तान, ठीक है। तो वो पूरा एरिया वेस्टर्न इंडिया में आएगा उस समय के लिए, तो जिसमें पंजाब था, हरियाणा था, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, और अब तो आप देखेंगे कि एमपी में भी पाए गए हैं, महाराष्ट्र में भी आपको दैमाबाद वगैरह में इनके साइट्स मिले हुए हैं। तो इनका एक्सटेंशन इस तरीके से हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पर इनकी बाउंड्री बताई गई है, जस्ट जैसे हम किसी कंट्री की बाउंड्री पढ़ते हैं, इंडिया की बाउंड्री पढ़ते हैं, यानी कि नॉर्थ में किनसे मिलता है, साउथ और ईस्ट वेस्ट में कैसे मिलता है, उसी तरीके से हरप्पा सिविलाइजेशन की बाउंड्री क्या थी, यानी कि नॉर्थ में ये कहाँ तक फैला हुआ था। नॉर्थ में मांडा,
मांडा एक जगह है चिनाब रिवर के किनारे, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर फिगर देखिएगा तो ये जगह है जो मांडा है, यानी कि नॉर्थ में ये मांडा तक सिविलाइजेशन ही फैला हुआ था। ठीक है, अगर हम वेस्ट में बात करें सुतका गिंडोर, तो सुतका गिंडोर जो था ये मकराना कोस्ट पर पड़ता था, बॉर्डर एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान। तो यहाँ पर देखेंगे ये जगह है सुतका गिंडोर, ये एक पोर्ट वाला एरिया है, यानी कि कोस्टल एरिया है ये। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करते हैं साउथ में, तो साउथ में दायमाबाद था, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, तो कहीं इधर आपको ये दायमाबाद मिलेगा महाराष्ट्र के एरिया में। ठीक है, अगर हम ईस्ट की तरफ इसके एक्सटेंशन की बात करते हैं तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये यूपी में ही हिंडन के पास पड़ता है, और जो मेरठ वाला एरिया है वो भी इसमें आ जाता है, वो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंडर में, वहां पर भी कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो वेस्ट इसका ईस्टर्न बाउंड्री जो कह सकते हैं वो आलमगीरपुर या फिर मेरठ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जियोग्राफिकल एरिया एक्सटेंड हुआ, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये काफी इस तरीके से आपको बनाया हुआ है, कुछ हिस्से आपको एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है। चलिए, मैप जरूर आपको देखना है, इससे ये पता चलता है कि अब जैसे आपने मैप देखा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी एरिया जो है वो पोर्ट वाला एरिया है। तो यहाँ पर देखिएगा सुतका गिंडोर, ये पोर्ट वाला एरिया है, यहाँ पर मिलेगा आपको बालाकोट, ये पोर्ट वाला एरिया हो गया, यहाँ पर सोमनाथ, यहाँ पर कुंताल, और ये है लोथल, ये सब पोर्ट वाले एरिया है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है, बताइए इनमें से कौन सा शहर जो था वो पोर्ट था, पोर्ट वाला एरिया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले में। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था लोथल जो गुजरात में है, तो ये पोर्ट के पास, सॉरी ये सी के पास भी पड़ता है, तो ये पोर्ट वाला एरिया था। ठीक है, तो इसलिए हर चीज लिखा नहीं जाता, हम कुछ ऑब्जर्व करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि चार तरीके के स्ट्रक्चर हम मेनली इसमें देखने वाले हैं, एक है टाउन प्लानिंग, ग्रेट बाथ, ग्रीन रेस एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम टाउन प्लानिंग के बारे में। तो आप टाउन प्लानिंग देखिएगा कि शहर जो था वो दो पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, एक होता था निचला हिस्सा और एक होता था ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ऊपर वाले जो हिस्से थे उसको सिटाडेल के नाम से जाना जाता था, सिटाडेल, और जो नीचे वाला हिस्सा था इसको लोअर टाउन या लोअर सिटी के नाम से ही जानते थे। ठीक है, अब फर्क क्या था, सिटाडेल जो था मेनली हो सकता था कि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो रहते हों, प्रोबेबली, अभी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट एविडेंसेस नहीं है, लेकिन प्रोबेबली कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का निवास स्थान था, रेसिडेंस था। इसके अलावा ये वर्कर्स क्वार्टर्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी वो सिटाडेल में हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर ग्रेनरीज भी हुआ करते थे जो फूड को स्टोर करने के लिए, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज होते थे, और इन इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स होते थे उनको आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए यहाँ पर वर्कर्स क्वार्टर्स भी बने होते थे। ठीक है, साथ ही साथ ये एरिया थोड़ा सा हाइट पर हुआ करता था, इससे क्या होता था कि फ्लड से भी सुरक्षा यहाँ पर मिल सकती थी, क्योंकि इंडस वाला जो रीजन था उस समय वहां पर बहुत वर्षा होती थी, और वर्षा की होने की वजह से फ्लड वाली समस्या वहां पर होती रहती थी। ठीक है, आज का जो समय है इंडस एरिया में आप देखिएगा कि करीब 13 से 15 सेंटीमीटर हार्डली वहां पर वर्षा होती है, इस वजह से आज के समय में वो लगभग डेजर्ट वाला एरिया, पंजाब का एरिया ले लीजिए, राजस्थान का एरिया ले लीजिए, और वो एरिया जो पाकिस्तान में सिंध के आसपास में पड़ता है, वो सब आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या है कि फ्लड से भी इनकी सुरक्षा हो सकती थी, इस वजह से सिटाडेल, ये सिटाडेल का एक यूज भी था। जो लोअर एरिया था यहाँ पर मेनली जो कॉमन पीपल तो होते थे ये रहा करते थे। ठीक है, कॉमन लोग, हमारे आपके जैसे लोग यहाँ पर, ये लोग रहते थे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ग्रिड पैटर्न आपको शहर में मिलेगा, ग्रिड पैटर्न का मतलब यहाँ पर जो स्ट्रीट और रोड्स होते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, इसकी वजह से क्या था, ये एक पूरा का पूरा शहर जो था वो एक ब्लॉक पैटर्न में हो गया था। ठीक है, ब्लॉक वाइज डिवाइड हो गया था, तो एक ये आपका हो गया। ठीक है, मोबिलाइज वर्कर्स, ओके, मोबिलाइज वर्क, ये जो टाउन प्लानिंग थी शहर था यहाँ पर वर्कर्स को मोबिलाइज करने का भी काम होता था। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं था यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि सारे जो साइट्स थे वो अर्बन साइट्स थे, वैसे हम कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो था ये अर्बन सिविलाइजेशन था, लेकिन ये पूरा का पूरा शहर यहाँ पे अर्बन नहीं था, यहाँ पर रूरल एरियाज भी थे, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर का काम होता था, और वहाँ पर जो सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उनको शहरों में भेजा जाता था, जैसे आज होता है गाँव में खेती होती है, गाँव में जो अनाज उगाए जाते हैं उनको शहरों में भेजा जाता है, क्योंकि शहर के लोग प्रोडक्शन नहीं करते, एग्रीकल्चर नहीं करते, तो शहर के लोग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गई या सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी हो गई, उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये फूड का काम करता है, जो सरप्लस फूड आपको रूरल से अर्बन एरिया में आता है, तो उस समय भी यही व्यवस्था थी, गाँव से ये जो सरप्लस फूड होते थे या ग्रेन्स होते थे वो शहरों में आते थे। ठीक है, और शहरों में क्या होता था, ग्रेनरीज हुआ करता था, इन ग्रेनरीज में इनको स्टोर किया जाता था। ठीक है,
ये ग्रंजी शहरों में हुआ करते थे अर्बन एरियाज में, और अर्बन एरियाज में भी कहाँ, सिटाडेल में हुआ करते थे जहाँ पर उन फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, ठीक है। और फाइनली यहाँ से फिर जिनको जरूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग उसको उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो इसी तरीके की ग्रेनरीज आपको मोहनजोदड़ो में भी मिली हुई है, आपको हड़प्पा में भी मिली हुई है, और हड़प्पा में जो सिटाडेल है वहाँ पर दो रोज मिले हुए हैं, और एक रोज में 6 ग्रेनरीज। इसका मतलब क्या हुआ, दो रो, एक ये रोज हुआ जिसमें 6 ग्रेनरीज आपको मिलेंगी, एक दूसरा रोज हुआ जिसमें आपको 6 ग्रेनरीज मिलेंगी, ठीक है। तो कुल यहाँ पे 12 ग्रेनरीज टोटल मिली हुई है हड़प्पा में, हड़प्पा शहर में, ठीक है। नाउ रिमेन्स ऑफ वीट एंड बार्ली इन क्रिवेसेस ऑन सर्फेसेस, जहाँ पर ये ग्रेनरीज बनी हुई है वहाँ के जो क्रिवेसेस है जो सर्फेस पर, यू नो क्रिवेसेस लाइक की जो होल्स वगैरह है वहाँ पर वीट एंड बार्ली के भी एविडेंसेस मिले हुए हैं, तो ये भी प्रूफ करती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अनाज रखे जाते होंगे और प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे चलता होगा, ठीक है। बंड ब्रिक्स, ये जितने भी ग्रेनरीज होते थे वो बंड ब्रिक्स से बनते थे। एक चीज यहाँ पर जरूर आप सिंडर सिविलाइजेशन में याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ करता था वो बंड ब्रिक्स से हुआ करता था, ठीक है। और वहीं आप उस समय के कंटेम्प्रेरी आप सिविलाइजेशन की बात देखें तो कौन सी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट की सिविलाइजेशन जो थी, या फिर मेसोपोटामिया, या फिर आप ईरान या पर्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है। ये सभी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन इन तीनों से काफी डेवलप था, ये सभी जो थी एक रूरल सिविलाइजेशन थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। और वहीं इंडस वैली में आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे वो बंड ब्रिक्स के बनाए जाते थे। अब वहीं इजिप्ट में देखेंगे कि तो इजिप्ट में जो स्ट्रक्चर बनता था वो ड्राइड ब्रिक्स से बनता था, जो सुखाए गए ब्रिक्स होते थे उनसे बनता था। मेसोपोटामिया में अगर आप देखेंगे तो दोनों का यूज होता था, यानी कि बंड ब्रिक्स का भी यूज होता था और ग्रैंड ब्रिक्स का भी यहाँ पर यूज होता था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे कि मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर्स थे वो बंड ब्रिक्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेट बाथ के बारे में देखने वाले हैं, तो ग्रेट बाथ आपको मिला हुआ है अगेन मोहनजोदड़ो में, और मोहनजोदड़ो के सिटाडेल में यानी कि अपर जो टाउन था या स्ट्रक्चर था वहां पर मिले हुए हैं। ये आपको एक टैंक टाइप का या फिर आजकल जो स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं वहां पर उस तरीके का ये एक ग्रेट बात है। यहाँ पर देखेंगे कि स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है, सीढ़ियां मिलेंगी ऊपर नीचे जाने के लिए, और ये दोनों साइड मिलेंगी। जैसे इस साइड आपको ये सीढ़ी देखी, इससे अपोजिट में भी आपको स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ रूम्स हुआ करते थे उस समय, रूम्स किस लिए हुआ करते थे, नहाने के बाद अगर आपको क्लॉथ चेंज करना हो तो उसके लिए यहाँ पर साइड में रूम्स भी बनाए जाते थे, ठीक है। अगेन ये भी बंड ब्रिक से बनता था, ठीक है। नियर बाई वेल हुआ करते थे, आसपास में यहाँ पर कुएं बनाए जाते थे ताकि इनमें पानी जो भरना हो तो वहां से पानी को लाया जा सके। कॉर्नर जो हुआ करते थे, इट्स लाइक जैसे कि मान लीजिए ये कॉर्नर हो गया या फिर ये कॉर्नर, तो किसी ना किसी कॉर्नर पर यहाँ पर आउटलेट बनाए जाते थे, और ये आउटलेट जो होता था वो उस स्ट्रीट में जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होता था उससे जुड़ा हुआ होता था। तो आउटलेट का यूज क्या था, आउटलेट का यूज था पानी निकालने के लिए, जब ये पानी खराब हो जाए गंदा हो जाए तो इस पानी को रिप्लेस किया जाता था, ठीक है। तो वो आउटलेट जो स्ट्रीट थी उसके ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा होता था, ठीक है। और प्रोबेबली इसका यूज जो था मेनली वो रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। मोहनजोदड़ो एक मूवी थी, आप उसको देखिएगा, बहुत कुछ रिजेंबल्स एक एक समानता के आधार पर उसको बनाया गया है, बहुत कुछ आपको आइडिया होगा, हिस्टोरिकल मूवीज देखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर लिखा हुआ एवरी सिटी, ठीक है, इस तरीके की स्टेटमेंट कभी आती है बीएससी में तो ध्यान रखिएगा कि हर सिटी में आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। कालीबंगम में यहाँ पर काफी हाउसेस में आपको वेल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वेल्स जो हुआ करते थे, मान लीजिए ये किसी का घर है, ठीक है, ये एंट्रेंस का डोर हुआ, तो यहाँ पर ये एक ऐसे पार्टीशन हुआ करता था और यहाँ पर वेल हुआ करता था, ठीक है। वेल ये दरवाजे के पास में होता था, एंट्रेंस का दरवाजा होता था उसके पास में होता था। रीजन क्या था कि अगर कोई ट्रैवलर है, कोई गुजर रहा है वहां से, अगर उसको प्यास लगे तो लोग वहां से पानी पी पाए, ठीक है। तो ये हमेशा एंट्रेंस के पास में बनाया जाता था, और जो एंट्रेंस होता था आप कभी एंट्रेंस से अंदर घर के आप देख नहीं सकते, क्योंकि हमेशा जो होता था यहाँ पर एक ऐसा पार्टीशन बनाया जाता था ताकि आप बाहर से अंदर डायरेक्ट नहीं देख सकते। अगर आपको आना है अंदर तो इस तरीके से आप फिर डाइवर्जन बनाया जाता था, अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजें होती थी। एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि उस समय के घर एक ग्राउंड फ्लोर वाले हुआ ही करते थे ज्यादातर, लेकिन वन फ्लोर वो जो मल्टी स्टोर भी हुआ करते थे, जैसे कि जिसको हम दो मंजिला कहते हैं, यानी कि एक स्टोर भी उसके ऊपर हुआ करता था, ठीक है। जो ग्राउंड फ्लोर पर रूम हुआ करते थे उनमें विंडोज नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर जो रूम हुआ करते थे उसमें विंडोज नहीं हुआ करती थी, क्यों, क्योंकि यहाँ के लोगों को प्राइवेसी बहुत पसंद थी, ठीक है। प्राइवेसी
का काफी ध्यान रखते थे, तो अगर ग्राउंड फ्लोर पर खिड़की वगैरह रहती है तो बाहर से कोई भी अंदर देख सकता है। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर पर रूम हुआ करता था वहां पर खिड़कियां होती थी, ठीक है, क्योंकि वहां पर नीचे से कोई देख नहीं सकता, तो प्राइवेसी का भी वहां पर ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो फर्स्ट फ्लोर आ गया तो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां भी होंगी, तो स्टेप्स भी यानी कि स्टेयर्स भी बनाए जाते थे उस समय, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। लेकिन ये था कि फर्स्ट फ्लोर वाले ये इस तरीके के घर जो हुआ करते थे वो ज्यादा नहीं हुआ करते थे, ज्यादातर ग्राउंड फ्लोर वाले ही हुआ करते थे। लेकिन इस तरीके की स्टेटमेंट अगर आता है कि एवरी होम वर या वॉज ग्राउंड फ्लोर या फिर सिंगल स्टोर वाले ही हुआ करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए इन सब चीजों का काफी यूज होता है जब क्वेश्चन आए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज के समय में, आज का जो मॉडर्न समय है, इसके साथ क्या समानता है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस दोनों या में से कुछ भी लिखने को आए, तो ये कुछ कंपैरेटिव स्टडीज होती है जिसको आप कंपेयर कर सकें, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम ही और बात करेंगे कि ये ड्रेनेज सिस्टम जो था में क्या था कि हर घर में एक आउटलेट बना होता था, जैसे नालियां होती है आज के समय में, ये क्या होती है कि हमारी स्ट्रीट के जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उससे लगी हुई होती है। तो वहां पर भी उस समय भी ऐसा था, हर घर से एक आउटलेट निकलता था जो कि स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम से मिलता था, और फाइनली ये स्ट्रीट का जो ड्रेनेज सिस्टम था ये मेन रोड के ड्रेनेज सिस्टम से जाके मिल जाता था, ठीक है। तो एक ग्रिड पैटर्न की तरह जैसे पूरा टाउन प्लानिंग हुई थी उसी तरीके से ये ड्रेनेज सिस्टम भी उसी ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता था, ठीक है। कवर्ड बाई ब्रिक्स, और ये जो ड्रेनेज हुआ करते थे इनको ईंटों से ढका जाता था, यानी कि यहाँ के लोगों को हाइजीन का भी अच्छा खासा ध्यान रहता था, ठीक है। अब अगेन आज के समय से अगर आप इस चीज को देखें तो बड़े शहरों में ये नालियाँ, ये जो ड्रेनेज है वो ढकी हुई मिल जाएंगी, छोटे शहरों में आप चले जाएं तो शायद ही कोई आपको ढका हुआ मिलेगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। यानी कि आज की सिचुएशन से कहीं ज़्यादा बेहतर उस समय का सिचुएशन था। मैनुअल्स हुआ करते थे टू क्लीन ड्रेनेज, ठीक है। अगेन आज के सिस्टम है, बड़े शहरों में तो साफ हो जाया करते हैं, लेकिन छोटे शहरों में एक बार जो नाली बन गई वो एक बार जब भर जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे वो सूख के वो रोड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि नाली का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, सिमिलैरिटीज इस तरीके से आप कंपेयर करके लिखेंगे जब भी मॉडर्न एज के साथ उसकी लिखने की आती है कि कितना वो यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसा हमने पहले देखा था इंडस रीजन जो था उस समय काफी वर्षा होती थी, इस वजह से वो एक फर्टाइल एरिया था उस समय, ठीक है। तो तीन हेड के अंदर पढ़ेंगे हम इसको, फूड प्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर टूल्स। फूड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वीट, बार्ले, पीस, मस्टर्ड जैसे फूड यहाँ पर उगाए जाते थे, इसके अलावा भी बहुत सारे थे। राइस की बात करें तो लोथल में राइस के एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस नहीं उगाया जाता था, तो कह सकते हैं कि यहाँ के लोग राइस सेंट्रिक यहाँ का सिविलाइजेशन, फूड हैबिट्स इनका नहीं था, ठीक है। और वो भी 1800 BC के आसपास में आया। 1800 BC का मतलब समझिए दिस इज द लेटर हड़प्पा फेस। लेटर हड़प्पा फेस यानी कि संभवतः ये समय था जब हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि राइस कि जो एविडेंस अभी तक जो मिले हुए हैं वो काफी बाद के हैं, यानी कि इस समय जो फूड हैबिट्स जो हुआ करते थे लोगों के वो राइस सेंट्रिक नहीं हुआ करते थे। कॉटन प्रोडक्शन भी हुआ करता था, फिर ध्यान रखिए कॉटन इज नॉट अ फूड आर्टिकल, ओके, बट फिर भी आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बस ध्यान रखिएगा, लेकिन फूड आर्टिकल में आप इसको मत लिखिएगा। कॉटन प्रोडक्शन हुआ करता था, तो कॉटन से वूल बनाए जाते थे, थ्रेड्स बनाए जाते थे, फाइन टेक्सटाइल कपड़े वगैरह कॉटन से उस समय बनाए जाते थे। देन ग्रेनरीज हुआ करती थी टू स्टोर सरप्लस फूड जो कि रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में आता था और यहाँ पर स्टोर किया जाता था, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फूड प्रोडक्शन का हाल था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर ऑक्शन यानी कि ऑक्स एंड काउस, बुफेलोस, गोट, शिप्स, पीक्स और पेट एनिमल्स भी हुआ करते थे, जैसे आज हम लोग पालते हैं डॉग एंड कैट्स, उस समय भी इनको पाला जाता था, ठीक है। हम्प्ड बुल हुआ करते थे, इनको पाला जाता था, एलिफेंट, राइनोस, इनकी भी डोमेस्टिकेशन की यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिली हुई है, ठीक है। जैसे राइनो को उस समय कहा जाता वर्ल्ड हॉर्न यूनिकॉर्न कहा जाता था, जिसकी पूजा भी की जाती थी, वैसे जितने भी एनिमल है ना, खास करके ये सारे जो चीज़ देख रहे हैं, इनकी पूजा भी उस समय होती थी और इनके फिगर्स आपको सेल्स वगैरह पर भी मिलेंगे, ठीक है। सुतकोदना में हॉर्स के एविडेंसेस मिले हुए हैं, इसके स्केलेटन मिले हुए हैं जो करीब 2000 BC के आसपास का है, यानी कि लगभग ये भी आपको लेटर हड़प्पन पीरियड का आपको एविडेंस है, लेकिन इसके बाद इसका एविडेंस और कहीं मिला नहीं है। तो भले एक जगह इसके एविडेंस मिले हैं लेकिन बाकी जगह नहीं मिला, तो हम ये कहेंगे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो हॉर्स सेंट्रिक नहीं था, यहाँ के लोगों को हॉर्स की जानकारी नहीं थी, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो आप मूवी देखिएगा, मैंने देखी है, तो मोहनजोदड़ो में हॉर्स का इंट्रोडक्शन होता है मूवी के अंदर में, लेकिन उनको ये कहाँ से एविडेंस मिली ये तो पता नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग जितनी चीज़ें पढ़ते हैं और एविडेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग कहीं मोहनजोदड़ो के लोगों को शायद हॉर्स की जानकारी नहीं थी, ठीक है।
खैर वो मूवी की बातें हैं, उसमें कुछ फैंसी चीजें जोड़ी जाती हैं। तो सुतकुरटा में मिला है हॉर्स केवर्डेंसेस, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो हॉर्स सेंट्रिक नहीं था, यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं थी। ठीक है, इरिगेशन की बात करें तो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में नाला हुआ करते थे टू स्टोर वाटर, ये एक डैम की तरह है। ठीक है, जैसे आजकल डैम हुआ करता है वाटर को स्टोर करने के लिए, उस समय नाला हुआ करता था उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब जो आज की तरह पर्टिकुलर चैनल या कैनाल इरिगेशन होता है, इस तरीके का कोई एविडेंस मिला नहीं है कि उस समय लोगों ने कैनाल बनाया हो, नहरें बनाई हो और सिंचाई होती हो, इस तरीके का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, टूल्स की बात करें तो प्लग फील्ड पाए गए हैं कालीबंगन में, यानी कि जोते हुए खेत वहां पर मिले हुए हैं, लेकिन जिस चीज की उसकी जुताई हुई होगी जैसे कि हल वगैरह प्लग या हो वगैरह हो गया, इसके एविडेंस अभी नहीं मिले हैं। ठीक है, यानी कि ये अभी मिला नहीं है एक्चुअली में, लेकिन जुते हुए खेत मिले हुए हैं, तो हम एक बात कह सकते हैं कि वहां पर जुताई होती थी। ठीक है, क्योंकि खेत मिले हैं उस तरीके से, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज लिखा हुआ है नो क्लियर आइडिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई क्लियर आइडिया हमें नहीं है कि कोई वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन था या कोई पब्लिक अथॉरिटी थी या नहीं, हम नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, और बहुत सारी एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए ये एक अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय के जो लोग थे उनका ध्यान ज्यादा कॉमर्स पर रहता था, यानी कि इकोनॉमी ट्रेड पर रहता था, ज्यादा पॉलिटिकल चीजों में ऑर्गेनाइज नहीं होते थे। ठीक है, और ये जो कॉमर्स में ज्यादा उनकी रुचि होने की वजह से क्या था, तो कि मोस्ट प्रोबेबली एक मर्चेंट का क्लास हुआ करता था या फिर ग्रुप हुआ होगा जो रूल करने का काम करता था। अब कैसे ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, आप ये देखेंगे कि इंडस वैली के सिविलाइजेशन के समय पर किसी भी तरीके का विपन नहीं पाया गया है, यू नो, यानी कि विपन नहीं पाने का मतलब, मिलने का मतलब ये है कि शायद ये लोग वॉर नहीं करते थे, लड़ाइयाँ नहीं करते थे, क्योंकि किसी भी तरीके का विपन यहाँ पर नहीं मिला है जो वॉर वगैरह में यूज होता होगा। और जिस तरीके से और सिविलाइजेशन में मिले हुए हैं उसी समय के सिविलाइजेशन में, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट या पर्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो ठीक है, तो ये इससे अंदाजा लगाया जाता है कि इनका वॉर लाइक चीज़ों में, एक्सपेंशन लाइक चीज़ों में कोई भरोसा नहीं, मतलब विश्वास नहीं था, ये लोग काम ये नहीं करते थे, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका शासन करने से ज़्यादा जो रुचि थी वो कॉमर्स या ट्रेड इकोनॉमी में थी, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद मर्चेंट का क्लास या ग्रुप रहा होगा जो रूल करने का काम करता था। उसके अलावा कोई म्यूनसिपैलिटी टाइप की अथॉरिटी रही होगी जो कि सिविल एमिनिटीज को देखती होगी, सिविल एमिनिटीज लाइक ये टाउन प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैसे बनाना है। ओके, इसके अलावा आप ये देखेंगे जो उस समय के ब्रिक्स हुआ करते थे उनका भी एक फिक्स डायमेंशन हुआ करता था, यानी कि लेंथ, उनकी हाइट, उनकी ब्रेथ कितनी होगी, उसके बेसिस पर ही वो ब्रिक्स बनते थे, ऐसा नहीं कि किसी लंबाई चौड़ाई में उसको बना दिए, तो वो पूरा का पूरा उसका एक मेजरमेंट हुआ करता था। ठीक है, ये बनाना है, फिर आपको ग्रिंडिस बनानी है, कहां पर क्या काम करना है, इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक प्लानिंग थी और ये प्लानिंग के तहत किया गया था। तो अब ये प्लानिंग के तहत ही तभी किया जा सकता है जब कोई कोई ना कोई अथॉरिटी हो, लोकल बॉडी हो, तो हो सकता है म्यूनसिपैलिटी या फिर जैसे आज के समय की लोकल अथॉरिटीज होती हैं उसके जैसे यहाँ पर कोई अथॉरिटी रही होगी। ठीक है, मे बी, बट कोई एविडेंस हमारे पास नहीं। और ये ध्यान रखिएगा जो जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, वो वैसे क्वेश्चंस कभी यूपीएससी नहीं पूछता, तो इसमें आप कभी उल्टा मत सोचिएगा कि अगर यूपीएससी ने ऐसा पूछ दिया तो, यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा कभी वो कंट्रोवर्सियल या फिर पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन वो नहीं पूछता। चलिए नेक्स्ट, रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में सबसे पहले टेम्पल्स, अगेन नो एविडेंस। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी टेम्पल किसी भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के साइट पर नहीं मिला हुआ है, यानी कि इस समय टेम्पल्स नहीं बनाए जाते थे, पहली चीज। लेकिन लोथल वगैरह में आपको फायर कल्ट मिले हुए हैं, फायर कल्ट लाइक जैसे यज्ञ हवन किए जाते हैं, अल्टार्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मिली हुई हैं। ठीक है, यानी कि यज्ञ हवन ये जो होते थे, रिचुअल्स वगैरह, वो काम यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, तो रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह वहाँ पर होते थे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो आपको फिगर्स मिलेंगी, विमेन्स की फिगर्स मिलेंगी, मेल डाइटी हुआ करते थे, फीमेल डाइटी की अगर हम बात करें तो अर्थ गॉडेस, जिनका कनेक्शन टू द ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स से यहाँ पर किया गया है, अर्थ गॉडेस मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा मेल डाइटी भी मिला हुआ है जिसको पशुपति के नाम से जाना जाता है, और इनका फिगर सिल्क पर मिला हुआ है। ठीक है, जो सिल्क हुआ करते हैं, मोहरें जो हुआ करती हैं, उन पर ये मिले हुए हैं। तो पशुपतिनाथ को उस समय प्रोटोशिवा के नाम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको गॉड ऑफ एनिमल्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पशुपति, तो पशु का मतलब एनिमल, पति लाइक गॉड, ओके, और लॉर्ड, तो लॉर्ड ऑफ एनिमल या गॉड ऑफ एनिमल, तो प्रोटोशिवा से इनका एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की गई है। तो ये मेल डाइटी थे जो शिल पर मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो थ्री हॉर्न्स, हेड, तीन हेड थे हॉर्न वाले, एंड सराउंडेड बाई फोर एनिमल्स, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, ये चार जानवरों से ये
घिरे हुए होते थे। कौन कौन से? एलिफेंट हुआ करता था, टाइगर था, और राइनो था, एंड बुफेलो था। ठीक है, ये चार एनिमल से ये घिरे हुए होते थे। साथ ही साथ उनके पैर के पास दो डियर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, चार एनिमल्स और डियर, इनकी भी वर्शिप की जाती थी। ठीक है, तो जैसे आप एनिमल वर्शिप में देखेंगे कि वन हॉर्न यूनिकॉर्न, जिसको हम राइनो के नाम से जानते थे, आज जो राइनो है वो उस समय वन हॉर्न यूनिकॉर्न का की तरह था। ठीक है, तो एनिमल में सबसे ज्यादा इसी की पूजा होती थी। अगर हम दूसरे एनिमल की बात करें तो हम बुल हुआ करता था, जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा पशुपति नाथ के साथ सील पर और जो भी एनिमल्स मिले हुए उनकी भी पूजा होती थी, जैसे भी हमने देखा एलिफेंट टाइगर वगैरह। ठीक है, एलिफेंट टाइगर, राइनो, बुफेलो, टीगर्स, इनकी भी पूजा यहाँ पर की जाती थी। ट्री वर्क्स भी हुआ करती थी, पीपल, इसके पीपल की आज भी पूजा होती है, तो उस समय हुआ करती थी। लोग एमुलेट्स वगैरह या फिर जो जंतर वगैरह होते थे, जिन्हें हम गले या गले में बांधते हैं या फिर अपने बाजू पर, आर्म्स पर यहाँ पर बांधते हैं, तो ये लोग भी यहाँ पर बांधते हैं, यानी इसका यूज करते थे, यानी कि इनका भी विश्वास था घोस्ट और इविल जैसी शक्तियों में। इस वजह से इसकी रक्षा के लिए ये लोग एमुलेट्स का यूज किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इकोनॉमी में दो चीजें हम पढ़ेंगे, क्राफ्ट पढ़ेंगे और ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्राफ्ट में टेक्सटाइल, कॉटन का अवेलेबिलिटी थी, इस समय कॉटन उगाया जाता था। ठीक है, और इसके आपको एविडेंस भी मिले हैं मोहनजोदड़ो में। उस समय स्पिंडल व्हील्स भी हुआ करता था, जिससे थ्रेड्स बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। साथ ही साथ वीवर कम्युनिटी भी थी, जो इन कपड़ों को बनाने का काम या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती थी। ठीक है, इसके अलावा अदर क्राफ्ट्स की बात करें तो गोल्ड स्मिथ हुआ करता था, जो गोल्ड या फिर सिल्वर से ऑर्नामेंट्स या भी जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाने होते थे वो बनाने का काम करता था। और वहीं देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर को इम्पोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान में, वहीं जो प्रीसियस स्टोन्स हुआ करते थे उनको साउथ इंडिया से इम्पोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो उस समय साउथ इंडिया उनके लिए फॉरेन कंट्री थे, यू नो, क्योंकि उस समय नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बिट्स मेकिंग एंड पॉटरी मेकिंग विल अवेलेबल था, हमने विल के बारे में पहले ही देखा कि जो न्यूलिथिक टाइम था, न्यूलिथिक एज, उस समय विल आ गया था। ठीक है, तो विल मौजूद था, तो पॉटरी वगैरह यहाँ से बनाए जाते थे। नेक्स्ट ट्रेड्स की बात करें, इंटरनल ट्रेड भी हुआ करता था, जिसमें स्टोन, मेटल्स, सेल्स, इसके अलावा फूड्स, ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पर ऑर्नामेंट्स, बेड्स, ओके, इनका ट्रेड किया जाता था, इंटरनल ट्रेड। मनी सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम यहाँ पे था। क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई कॉइन सिस्टम नहीं था, या रूपी सिस्टम जैसे कॉइन्स होते थे वो नहीं था। हाँ, लेकिन इनके जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे उनके पास कॉइन था। आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया के दो कॉइन्स मिले हुए हैं। ठीक है, इजिप्ट के एक कॉइन मिला हुआ है, लेकिन ये तो उनके कॉइन थे ना, मेसोपोटामिया वाले के कॉइन थे, या फिर इजिप्ट वालों के कॉइन थे जो इंडस वैली साइट्स पे मिले हुए हैं। इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने अपना कोई कॉइन बनाया हो, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनके पास कोई कॉइन सिस्टम नहीं था, ये मेनली जो ट्रेड था या एक्सचेंज था वो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग करते थे, एब्सेंस ऑफ कॉइन। नेविगेशन की बात करें तो कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट पर ही इनका सिविल जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये फ्लरिश हुआ, तो इस वजह से अरेबियन के साइड पे ही इनका नेविगेशन सिस्टम भी होगा। व्हील यूज होता था कार्ट्स वगैरह में, तो कार्ट्स वगैरह में भी यहाँ पर नेविगेशन या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता होगा। ठीक है, बैलगाड़ी वगैरह। ठीक है, ट्रेड रिलेशन विद अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, पर्शिया एंड इजिप्ट, इनके साथ फॉरेन ट्रेड हुआ करते थे। तो इनके साथ ट्रेड जो होता था मेनली जो प्रीसियस ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे उनके हुआ करते थे ट्रेड। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान से गोल्ड सिल्वर मंगाया जाता था, उसी तरीके से मेसोपोटामिया से भी चीज़ें जो प्रीसियस ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो मंगाए जाते थे। हमारे यहाँ से भी जो ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, बेड्स के ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, वो वहाँ पर बन के जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा चीज़ें ये होती थी। चलिए मिशनरीज में देखेंगे, स्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहला चीज पिक्टोग्राफिक, यहाँ पर स्क्रिप्ट है, नॉट अल्फाबेटिक। ठीक है, पिक्टोग्राफिक का मतलब ये हुआ कि पिक्चर के फॉर्म में, यहाँ पर स्क्रिप्ट पिक्चर के फॉर्म में है। हर पिक्चर का एक अपना मतलब है, एक मीनिंग है कि वो पिक्चर क्या कहना चाहता है, लेकिन अब वो कहना क्या चाहता है यह हमें नहीं पता। ठीक है, अब क्यों नहीं पता? क्योंकि एक मिस्ट्री है, अभी तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो डिसाइफर किए हुए स्क्रिप्ट हैं वो अशोका के टाइम के हैं, यानी कि मौर्यन पीरियड के हैं। अपने जेम्स प्रिंसेप का नाम सुना होगा, जिसने सबसे पहले इनकी स्क्रिप्ट, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उस समय, अभी भी चलती है, इसको इन्होंने डिसाइफर किया था। तो अभी तक जो हमारे यहाँ सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो डिसाइफर किया हुआ स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट मौर्यन टाइम का। ठीक है, क्योंकि ये लिटरेचर से रिलेटेड है, और ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर पर लिखा हुआ, ये आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल
जो एविडेंस होते हैं वो अलग होते हैं और जो लिटरेचरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। तो इस समय लोग लिखने का उनको ज्ञान नहीं था, वो पिक्चर के फॉर्म में ही अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, यहाँ तक ये भी देखिएगा कि जब आर्यंस आते हैं हमारे यहाँ, तो जो अर्ली आर्यंस थे, अर्ली वैदिक का टाइम, रिंग वैदिक का टाइम, उस समय आर्यंस को भी लिखने का नॉलेज नहीं था, तो वो भी अपने जो ट्रेडिशन हुआ करते थे ना, वो उनको ओरली आगे अपने जो आगे की जो पीढ़ी होती थी वहां तक पहुंचाते थे या दूसरों को वो बताते थे, सिखाते थे, ओरली सारा सिस्टम होता था, लिखने का नॉलेज उनको भी नहीं था। खैर, ये फोटोग्राफिक हुआ करता था स्क्रिप्ट, और इसको राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट अल्टरनेटिवली लिखा जाता था। इसका मतलब क्या था, जैसे मान लीजिए ये एक कॉपी है और मुझे इस पर लिखना है, तो मैं स्टार्ट करूंगा राइट से लिखना, ठीक है, मैंने यहाँ राइट लिखा, यहाँ पे खत्म हो गया, फिर अब जो नेक्स्ट में सेंटेंस स्टार्ट करूंगा नीचे से, तो मैं अब यहां से खत्म हो गया तो नीचे से यानी कि लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करूंगा, थर्ड वाला पे जब आऊंगा तो अगेन राइट टू लेफ्ट, फोर्थ वाला पे आऊंगा तो अगेन लेफ्ट टू राइट। तो ये अल्टरनेट हुआ करता था, पहला सेंटेंस राइट टू लेफ्ट और दूसरा सेंटेंस लेफ्ट टू राइट, देन तीसरा राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, अल्टरनेट इस तरीके से लिखा जाता था। 250 से 400 पिक्टोग्राफ्स हुआ करते थे, यानी कि इतने नंबर के पिक्टोग्राफ्स थे जिनको हम समझ नहीं पाए अभी तक। चलिए, वेट्स एंड मेजरमेंट की बात करते हैं। 16 के मल्टीपल्स में वहां पर वेट्स हुआ करते थे, यानी कि 60 के मल्टीप्लाई में, 60 से आप जितना मल्टीप्लाई करते रहिए 16 से किसी भी चीज को, तो 16 हो गया, 64 हो गया, 460 हो गया, 320, 640, ये सब क्या है, 16 का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन में वेट्स हुआ करते थे। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट करने के लिए ब्रोंज स्टिक्स हुआ करते थे उस समय, आज भी होते थे, जैसे आज के फीते होते हैं या फिर रॉड भी हुआ करता है आज पर मेजरमेंट करने के लिए, आप जो जैसे टेलर्स वगैरह होते हैं उनके पास देखिएगा तो रॉड भी हुआ करते हैं। ठीक है, तो उसमें ब्रोंज स्टिक हुआ करता था मेजरमेंट के लिए। पोटरी की बात करें तो व्हील्स इनके पास था, तो पोटरी वगैरह बनाते थे, देखिए कितनी कलरफुल पोटरी उस समय की है ये। ठीक है, डिजाइन भी बनता था उसमें, ट्रीज का डिजाइन, सर्कस बनाए जाते थे, ज्योमेट्रिक डिजाइन हुआ करता था, एनिमल्स के पिक्चर्स हुआ करते थे, बर्ड्स के पिक्चर्स हुआ करते थे, ठीक है, गॉड्स या गॉडेस हुआ करते थे उनके पिक्चर्स हुआ करते थे, तो बहुत सारी पिक्चर्स डिजाइन बनाते थे। ये पोटरी आप देखेंगे, ये बर्ड्स की यहाँ पर फिगर बनी हुई है, यहाँ पर ज्योमेट्री का फिगर बना हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे, तो इस तरीके से ये लोग अपनी पोटरी को कलरफुल बनाते थे। सिल्स की बात करें तो स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल सिल्स में शेप में यहाँ पर सिल्स मिलता है, और मोर देन 2000 सिल्स यहाँ पर मिले हुए हैं, दिस नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैंने ऐसे आपको बता दिया। ओके, यहाँ पर भी सिल्स में पिक्चर हुआ करते थे, हमने पहले भी देखा था, वर्ल्ड यूनिकॉर्न, बुफेलो, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, गोट, गॉड, पशुपतिनाथ, गॉडेस, इन सबके पिक्चर्स आपको सिल्स पर देखे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट, टेराकोटा फिगुरेंस, यानी कि मिट्टी से बने हुए खिलौने या फिर मूर्तियां, तो ये एनिमल्स भी हुआ करते थे, एनिमल्स में बर्ड्स, मंकी, हम्प्ट, हम्पलेस बुल हुआ करते थे, मेल फीमेल की भी टेराकोटा फिटनेस बनाई जाती है। ठीक है, बुलक कार्ट्स भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये एक बर्ड है, यहाँ पर ये हम्प्ट बुल है, ये देखेंगे ये बुलक कार्ट है, ये सब मिट्टी के खिलौने उस समय बनाए जाते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लाइन रीजन, रेनफॉल डिक्रीज होने लगा। ठीक है, पहले ज्यादा रेनफॉल होता था, आज कंपेयर करें तो आज बहुत कम होता है, तो कह सकते हैं कि रेनफॉल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, तो एग्रीकल्चर जो था वो एक इफेक्ट हुआ, तो प्रोडक्शन कम हुआ, फर्टिलिटी कम होने लगी। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि अचानक वहाँ के लैंड में सब्सिडेंस होने की वजह से फ्लड्स वगैरह आए, तो वो खत्म हो गया। मोहनजोदड़ो मूवी देखिएगा तो मोहनजोदड़ो शहर फ्लड से खत्म करते हुए दिखाया जाता है। अर्थक्वेक आया होगा जिससे इंडस रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया, उसके बाद जो पहले वाला उसका रास्ता था वहाँ सूख गया, डेजर्ट हो गया, तो सिविलाइजेशन खत्म हो गया। फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गए, वैदिक आर्यन जो थे वो आने लगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि केवल एक ही एविडेंस या रीजन है इसके डिक्लाइन करने का, ये सब कुछ मिल के एक साथ वहां पे अप्लाई हो सकता है। हाँ, रेनफॉल या फर्टिलिटी डिक्रीज होना ये हम बात कह सकते हैं, क्योंकि पहले अगर पहले आप देखें उस समय इतना फर्टिलिटी वहां की थी, प्रोडक्शन हुआ करता था कि सिविलाइजेशन वहां पर बसा, लेकिन आजकल वहां पर वर्षा बहुत कम होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेनफॉल टाइम टू टाइम वहां पर डिक्रीज हुआ होता होगा। तो ये दो एविडेंस तो हम क्लियर कट सही मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के एविडेंसेस इसको प्रूफ करते हैं। अब उस समय सब्सिडेंस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, अर्थक्वेक आया होगा कि नहीं आया होगा, इन्वेजन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ये उतना कंक्लूसिव अभी हमें पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो ये सब कुछ मिला के क्या करेंगे कि यहाँ पर रीजन बनाएंगे इसके डिक्लाइन होने का, केवल एक रीजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, जैसे हमने कहा था कि अभी तक हमने पढ़ा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं नहीं, बाकी की जो अभी सीरीज आती रहेंगी वैदिक टाइम का भी हम पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को करेंगे। ओके,
चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ यहाँ पर स्टेट्स दी गई है, बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। चलिए पहली बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था, रिलीजन के मामले में बात की जा रही है, ठीक है, सेक्युलर सिविलाइजेशन था और यहाँ पर कोई भी रिलीजन डोमिनेट नहीं करता था, ठीक है, ये तो बात सही थी। इस समय सिविलाइजेशन भी सेक्युलर था और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई डाइवर्सिफाइड रिलीजियस व्यूज थे लोगों के, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म वहां पर रिलीजन था, तो सेक्युलर भी कह सकते हैं और कोई वहां पर डोमिनेशन टाइप की चीजें नहीं थी, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, हाँ ये तो हमने देखा ना क्राफ्ट में देखा कि कॉटन वगैरह यूज होता था, तो इस वजह से ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगेन कहा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप कंसिडर कीजिए। पहला देखते हैं, दे पोसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, पहले तो यही गलत हो गया, यहाँ पर तो एक भी टेम्पल मिला ही नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, आपको इसमें सही बताना है, करेक्ट बताना है, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करें, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, ये मेल में पशुपति नाथ की मिली हुई है, फीमेल डेटीज में जो अर्थ गॉडेस है उनकी मिली हुई है, तो ऑप्शन टू तो सही है। अब ऑप्शन टू सही हो गया तो डी तो अपने आप गलत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर भी देख लेते हैं थर्ड, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्राइविंग कैरियर इन वारफेयर, कहां से वारफेयर, पहले तो लड़ाई लड़ते ही नहीं थे, उनके पास तो कोई वेपन मिला ही नहीं है, ठीक है, और दूसरी हॉर्स ड्रॉन कैरियर यानी हर्थ वाले जो रथ हुआ करते थे, तो हॉर्स की तो जानकारी नहीं थी ही नहीं, हर्थ सेंट्रिक तो सिविलाइजेशन ही नहीं था, और हॉर्स ड्रॉन कैरियर से ये तो आर्यंस लेके आए थे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये इसका कुछ नहीं था, तो अगर हॉर्स ड्रॉन कैरियर के बारे में ना जानते होंगे तो वारफेयर से भी आप लगा सकते हैं कि वो लड़ाई नहीं लड़ते थे, वेपन मिले ही नहीं उनके पास, ठीक है, हॉर्स सेंट्रिक भी सिविलाइजेशन नहीं था, थर्ड तो सही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन जो दो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, कि कौन सा सही है। ऋग्वैदिक आर्यंस के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन हमने इंडस वैली के बारे में पढ़ लिया है, तो उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, हमें नहीं पता क्योंकि हमने ऋग्वैदिक के टाइम के बारे में पढ़ा ही नहीं अभी, ओके। चलिए इंडस वैली पर कंसंट्रेट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। अब वारफेयर की बात कर रहे हैं, हेलमेट, वारफेयर हेलमेट यानी कि जो युद्ध में वॉर में हेलमेट यूज होता होगा, तो इंडस वाले तो युद्ध ही नहीं करते थे, तो हेलमेट की तो बात ही बहुत दूर है, तो इनके पास तो हेलमेट मिलेगा नहीं, तो ये बात तो सही है भाई, ठीक है, इसके हिसाब से ये सही हो जाता है। हाँ, अब हमें आर्यंस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आर्यंस लड़ाई लड़ते थे, वो उनके पास हॉर्स कैरियर्स भी हुआ करते थे और वो लड़ाई के बल पे ही ये यहाँ पर आए थे, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। आयरन की डिस्कवरी तो आपको 1000 BC के आसपास में होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो उससे पहले का है, यानी कि इंडस के लोगों को आयरन का तो नॉलेज ही नहीं था, तो ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकेंड गलत होगा, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ नॉलेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी खत्म और ऑप्शन डी खत्म, हमारे पास पता ए एंड सी और ए और वन दोनों में है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल, बात सही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हॉर्स की जानकारी नहीं थी, भले एक जगह एविडेंस मिला है बट ये सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक सिविलाइजेशन नहीं था, ठीक है। तो अब आप इंडस अगर इस एविडेंस के साथ जाएं तो आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको पता हो कि आर्य जो वैदिक टाइम के लोग थे उनके पास हॉर्स था, ठीक है, और अगर ये भी ना पता हो तो आप ए और सी, फिर आपका 50-50 हो जाएगा, लेकिन आप उसमें सी के साथ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें इंडस वाला जो सेक्शन है वो आपका सही है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ना, हमने जो पढ़ा उसी में से सॉल्व होगा, और भी हम क्वेश्चन देखेंगे आने वाले क्लासेस में, सब सब सॉल्व हो जाएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है और या फिर आगे वाले सेक्शन में जितना पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही प्रीलिम्स के, ना ही मेंस के लिए। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन था, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ सिविल हरपन सिविलाइजेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो क्राफ्ट एंड आर्ट्स के बारे में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि बेड्स मेकिंग के बारे में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर पोटरी के बारे में लिखेंगे, ओके, यहाँ पर आप क्राफ्ट्स के बारे में लिखेंगे, तो क्राफ्ट्स में आपको टेक्सटाइल वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें लिखेंगे आप,
यहाँ पर टेराकोटा के बारे में लिखेंगे, जो टेराकोटा फिगरिंग्स हुआ करती थी, ये सब भी आपको आर्ट्स में ही आती है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ही आएंगी। ठीक है, ये सारी इसमें चीजें लिखेंगे। सिग्निफिकेंस की जब बात आएगी, तो सिग्निफिकेंस का मतलब हुआ इंपॉर्टेंस या यूज क्या होगा, तो आपको अलग हेडिंग में नहीं लिखना है उसको, उसी को यहीं जब आप बिल्ड्स और पोट्री के बारे में आप लिखें तो उसी के नीचे एक सब हेडिंग डाल के आप सिग्निफिकेंस लिख दीजिएगा और वहां पे एक दो लाइन सिग्निफिकेंस में लिख दीजिएगा। ठीक है, 250 वर्ड में लिखना है, यानी कि करीब आधा आधा वर्ड में आपको डिवाइड होगा, तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसको 125 या 125 वर्ड में। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप इसको 150 वर्ड में लिख सकते हैं, या इसको आप 100 वर्ड में लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डायमेंशन ज्यादा हो जाएगा, और इसको 100 वर्ड्स में आप साथ ही इंटीग्रेट करके लिखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा हम उसमें देखेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।